एआईबी के संस्थापक और कॉमेडियन तन्मय भट्ट एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। तन्मय ने अपने जोक्स में सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर को निशाना बनाया है, जिसके लिए उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है। देखिए एक रिपोर्ट। अपने ह्यूमर और कॉमेडी से युवा दिलों को गुदगुदाने वाले मशहूर कॉमेडियन तन्मय भट्ट विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल तन्मय ने एआईबी के एक वीडियो में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर का जमकर मजाक उड़ाया है। सचिन वर्सेस लता सिविल वॉर शीर्षक नाम से एआईबी के ऑफिशियल पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है। वीडियो में तन्मय दोनों के किरदार निभा रहे हैं। इसमें तन्मय ने सचिन और लता के मेकअप में उनकी मिमिक्री की है। वीडियो में बेहद आपत्तिजनक पंचलाइनों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे गेम्स ऑफ थ्रोन्स के किरदार जॉन स्नो का जिक्र करते हुए लता मंगेशकर को काफी भला बुरा कहा गया है। हो लता ताई नमस्कार। वेरी रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ऐड दैट यू आर 5000 इयर्स ओल्ड। या बट सो व्हाट इफ आई एम 5000 इयर्स ओल्ड? आई मीन आई एम लाइक दैट लेडी मेलिसांड्रे मुलू मिलिसांड्रे मिलिसांड्रे मेरा तू। या बट हैव यू सीन योर फेस? इट लुक्स लाइक समवन हैज केप्ट यू इन वाटर फॉर लाइक 8 डेज। साथ ही उनके चेहरे को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। तन्मय भट्ट की ओर से शेयर की गई इस वीडियो की बॉलीवुड और राजनेताओं ने कड़ी आलोचना की है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और सुरों की साम्राज्ञी लता मंगेशकर का मजाक उड़ाना एमएनएस को रास नहीं आया। इस मामले में एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एफआईआर दर्ज करवाई है और यही नहीं पिटाई की भी धमकी दी है। वहीं शिवसेना और बीजेपी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कॉमेडियन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद आपत्तिजनक वीडियो की जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ बॉलीवुड सितारों ने भी तन्मय की वीडियो को शर्मनाक बताया है। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्विटर पर लिखा है, मैंने 9 बार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार जीता। मेरा हास्य बोध अच्छा है, लेकिन यहाँ हास्य नहीं है, यह बेहुदा और अपमानजनक है। वहीं अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर रितेश देशमुख ने लिखा है, मैं बेहद हैरान हूँ, अपमान करना ना तो सही है और ना ही इसमें कोई हास्य है। बिल्कुल, इस वीडियो में जिस तरह की बातें कही गई हैं वो वाकई अपमानजनक है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि लाइमलाइट में आने के लिए देश के प्रतिष्ठित लोगों को निशाना बनाना कितना जायज है? देखते रहिए डीबी लाइव।